इंद्रगढ़ अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। बीते दिन एक गर्भवती महिला के प्रसव नहीं होने के बाद अस्पताल के बाहर कुर्सी में बैठकर दर्द से करा रही थी, लेकिन अस्पताल ने महिला की मदद नहीं की, जिसके बाद आम जनता की मदद से गर्भवती महिला को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गर्भवती महिला के प्रसव के मामले में लापरवाही को लेकर विधायक ने कहा कि चिकित्सकों की कमी है और अभी कोविड प्रोटोकॉल के तहत डिलीवरी हो रही है। अगर गर्भवती महिला की डिलीवरी में कहीं भी लापरवाही हुई तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मनेन्द्रगढ़ अस्पताल में एक महिला का डिलीवरी नहीं हो पाया, किसी आम जनता के लोगों के द्वारा महिला का डिलीवरी कराया गया, क्योंकि महिला डॉक्टर नहीं होने। मामले की सूचना एसडीएम को भी दिया गया, एसडीएम ने महिला को किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं दिया, या चिरमिरी से डॉक्टर बुला ले या बैकुंठपुर से डॉक्टर बुला रहे, काफी गरीब परिवार से थे महिला, बाहर में दर्द से तड़प रही थी, बाहर में ही डिलीवरी हो सकता था, लेकिन आम जनता ने मदद किया, उन्होंने कहा कि महिला डॉक्टर नहीं है, डिलीवरी नहीं होगी। तो वहीं कोरिया की महेंद्रगढ़ एसडीएम ने अपने परिवार के भले के लिए परिवार को बुला लिया। बता दें कि एसडीएम अपने बहन के परिवार का कोरोना का इलाज करवा रही हैं। एसडीएम नयन तारा ने बताया कि उनके बहन के परिवार को उत्तर प्रदेश में इलाज नहीं मिल सका, जिसके चलते उन्होंने अपनी बहन के परिवार को यहां बुला लिया है और उनका इलाज करवा रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। तारा सिंह तोमर, एसडीएम मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। कल इंडिया न्यूज टीवी चैनल में कोरोना संदिग्धों को दिया जा रहा है वीआईपी ट्रीटमेंट नामक न्यूज चलाया गया था, जिसमें मेरा बयान भी चलाया गया है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि वह मेरा बयान नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के द्वारा अपना निजी स्वार्थ पूर्ति न हो पाने के कारण मेरे साथ की गई अनौपचारिक बातों को गलत तरीके से रिकॉर्ड करके प्रस्तुत किया गया है। मैंने अपनी सिस्टर को शासकीय क्वारंटाइन सेंटर में स्वयं के वैसे क्वारंटाइन कर जनता को यह संदेश देने का प्रयत्न किया है कि आपके घर परिवार में जो भी व्यक्ति बाहरी राज्य या दूसरे जिले से आ रहा है तो आप उसे अपने घर में न ले जाएं, बल्कि शासकीय या पेड क्वारंटाइन सेंटर में 7 दिवस के लिए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप क्वारंटाइन करें, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से हम सभी मिलकर रोक सकें।